डे फोर और आज कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? जिस्पा टू ले 330 किलोमीटर लगने वाली है भाई आज। चलो हेलो, इट्स अ डे फोर एंड टाइम इज 7:30 इन द मॉर्निंग। महागा रिवर व्यू होटल यहाँ पे हम लोग रुके थे और लुक एट द व्यू। ये भी यार कीले हैं ग्लव्स। सो कल मनाली से आते समय बारिश में ग्लव्स गीले हो गए थे, अभी भी गीले। मौसम अच्छा है तो इसलिए पहन लिए मैंने ताकि सूख जाए, वरना कुछ सुखाने का कोई स्कोप ही नहीं है। सो मेरे फ्रेंड्स लोग आगे जा चुके हैं, नाउ आई एम स्टार्टिंग। सो इट्स 7:35 किलोमीटर्स वी हैव डन और इट्स 7:45 इन द मॉर्निंग। ओके, सो कल शाम को मेरी बाइक के फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर सील टूट चुकी है, जिससे ऑयल लीक हो रहा है इसमें से। और सो अगर ऑयल लीक हो रहा है तो शॉक्स एब्जॉर्बर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेन मेरा कंसर्न है जो ऑयल लीक हो रहा है वो डिस्क पे गिर रहा है। तो डिस्क पे गिरने से क्या होगा कि जब भी मैं ब्रेक मारूंगा फ्रंट का वो लगेगा नहीं, ये मेरा मेन कंसर्न है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हिमाचल पुलिस चेकिंग। अच्छा एंट्री ना, एंट्री हाँ यहाँ खड़ी कर दूंगा। ये जब आप जस्पा पार करके दर्चा पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है। तो अगर आप इंडियन हो सो इंडियंस के लिए जस्ट आप अपना गाड़ी नंबर लिखवा दीजिए, दैट्स आई थिंक मोर देन एनफ। लेकिन फॉरनर्स के लिए उनका पासपोर्ट भी चेक होता है। वाह, आई थिंक द नेम ऑफ द रिवर इज बहागा रिवर। तो करेंटली हम लोगों का प्लान ऐसा है कि 70 किलोमीटर बाद यहाँ से सरचू आएगा, सो एनी वे हमें वहाँ रुकना ही रुकना है। सो वी विल बी हैविंग अवर ब्रेकफास्ट ओवर देयर। मतलब इतने ऊंचे पर ये रोड्स, हैट्स ऑफ टू द पीपल्स जिन लोगों ने ये रोड्स बनाए हैं भाई। और अभी भी काम चल रहा है रोड्स बनाने का। अभी जस्पा तक तो अच्छा रोड था, रोहतांग के पास आई थिंक 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो ख़राब था, लेकिन उसके अलावा तो काफ़ी अच्छे रोड थे। और ये भी रोड उतने बेकार नहीं है, ठीक है, आप अपनी बाइक आराम से चला सकते हो उन रोड्स पे विदाउट एन इश्यू। आई स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटका फर्स्ट स्टेट, देन गो टू दिल्ली सेकेंड, एंड देन चंडीगढ़ पंजाब थर्ड, मनाली आई थिंक इन हिमाचल प्रदेश इट इज, फोर्थ इज हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख इन जम्मू कश्मीर। सो द फिफ्थ वन इज जम्मू कश्मीर, टोटल 5 स्टेट्स। सो नाउ वी आर क्लिकिंग द पिक। चेक कर एक बार, ये जो मैंने लिया है परफेक्ट परफेक्ट सही है, ठीक है। हाँ, चल स्नो व्यू ढाबा जिंग जिंग बार। तो यहाँ पे हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट होगा। कैसा लग रहा है आके? हम बढ़िया। सांबा
Your opinion? क्या जगह है यार वो बढ़िया क्या खा रहा है ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट लेट मी शो इनसाइड अंदर ये सब यहाँ पर बैठने का है जगह हेलो सर दस बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सो आई थिंक सरचू इज 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ पर ये लोग रोड बना रहे हैं आई थिंक अब सरचू तक का जो 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो ऐसा ही है मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है पैचेस होंगे रोड होगा पैचेस होंगे रोड होगा अभी हवा शायद थोड़ी थिन हो चुकी है और इवन धूप निकली हुई है लेकिन आई कैन फील द कोल्ड इन माई हैंड बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लेकिन हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी ऐसा लग रहा है जम से गए हाथ धीरे धीरे सो यहाँ पर स्टोन्स रखते हैं आई विल डू द सेम फेमस बारला चला कॉन्कर्ड कैसा लग रहा है सुपर ऑसमनेस फ्यू डेज बैक वी वर इन द टाउन कॉल्ड जिस्पा देयर वी वर एबल टू सी दिस स्नो कैप माउंटेन्स नाउ वी आर हियर इन देम इट्स फील गुड राइट यस ऑसम आई थिंक एयर इज आल्सो गेटिंग थिनर या ओके ओके सो ये डीकैथलॉन से लिए थे और काफ़ी हैंडी हो रहे हैं यार ये डीकैथलॉन वाले फुली ये ठंड से बचा देंगे वरना जो ये पहना हुआ है मुझे वही पहनना पड़ेगा सो अभी वो वार्म ग्लव्स पहनने के बाद अभी थोड़ा बेटर लग रहा है आई थिंक जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ठंडा ज़्यादा लगना शुरू हो रहा है बंद हो गई गाड़ी आई थिंक नदी बह रही है इन दो पहाड़ों के बीच में और दिस इज लिटिल डेंजरस सो अभी सरचू 15 किलोमीटर है और ये बगल से आई डोंट नो द नेम ऑफ द रिवर यहाँ से नदी जा रही है एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड रोड क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्किड होने अगर आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी पक्का स्किड होगी यहाँ पर और यहाँ पे टायर में पंचर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो ओनली थिंग यू कैन डू इज आराम से धीरे धीरे बाइक निकालते जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू द सरचू गोल्ड ड्रॉप कैंप सरचू सरचू में सारे कैंप्स ही हैं थिंक हम लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी होगी सरचू में सो कश्मीर के लिए यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी सरचू के लिए वहाँ पर एंट्री की थी चेक पोस्ट पर सरचू एचपी हाँ यहाँ पर कश्मीर के लिए है ना एंट्री
Yes. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, sticker laga do. Laga do. Thank you. So. There. Shit. Nikal. Thank you. Ek minute piche. Thank you. So. Ha. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Chai achi aapne banayi thi kaafi. Thank you. Okay, sir. So. That's done. अब हम लोग सरचू से निकल रहे हैं. सरचू से मनाली 222 काफ़ी है. ओके ऐसे रोड है, छोटा रोड है लेकिन अच्छा है. आराम से आप इजीली 50-60 कर सकते हो यहाँ पर. एंड अगेन वट एवर कंफर्टेबल सीट. अरे प्लेन्स, गाटा लूप, इसकी ब्रिज, ब्रांडी ब्रिज. सो अगेन एयर काफ़ी थिन हो रही है, फील हो रहा है अभी. सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अभी उधर जाना है दूर. एंड इट्स ये सीन, एक ब्यूटी बढ़िया है, ये सीन बढ़िया है. नदी बह रही है सामने, विंडोज का वॉलपेपर वाला माउंटेन है और रोड ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है. सो पैंग इज द प्लेस. 15,280 किलोमीटर्स. और यहाँ पे हम लोगों का होगा खाने का. ये प्लेस पैंग है और यहाँ पर भी मैं अपना ब्लिसबाइकर का यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो. सो आई थिंक 4:10 हो चुके हैं शाम के और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ का शूट नहीं किया मैंने वीडियो ज़्यादा क्योंकि थोड़ा थक गया था, मैं रेस्ट किया. ओके सर. And now we are starting to the Ladakh. Okay. More planes hai. Chal. कावा, ये है कावा जिसको मैं खावा. तू खावा इसको? हाँ बंगाली खाता है, ये बंगाली है. व्यू, इट्स ब्रेथ टेकिंग व्यू. नाउ वी रीच आवर डेस्टिनेशन. हियर इट इज तांगलांगला. Boy, oh boy, it's something entirely.
यार बहुत दिन होती जा रही है यहाँ पर, अनेबल टू ब्रीथ। 17582 17582 बर्फ पिघल पिघल के आ रही है भाई। इन टिप्स में ज़्यादा ठंडा लग रहा है। एनीवे पहले मैं राइडिंग ग्लव्स पहना हुआ था, अभी ये पहने हुए हैं, सो पहले से बेटर है। इसके अंदर एक और पहना हुआ है वूलन ग्लव्स और उसके ऊपर ये, सो अभी थोड़ा बेटर है। सैम की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो इस प्लेस का नाम था वो देखना भूल गया, और यहाँ से लद्दाख जो है वो 49 किलोमीटर। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, आई थिंक एक से ज़्यादा घंटा लगने वाला है। सो अभी सैम के बाइक की लाइट कम है, सो हम लोगों ने क्या किया कि मैं उसके पैरेलल में चलूँगा और दोनों बाइक की लाइट्स कंबाइन मिला के बैटर लाइट बन जाएगी दोनों के लिए, ताकि हम दोनों को इशू ना हो, क्योंकि पूरा रोड खाली है समय, तो मैं इसके पैरेलल चल सकता हूँ आराम से, और हम लोग अपनी ही लेन में चल रहे हैं, दूसरी लेन में नहीं चल रहे हैं। सो दैट्स डूएबल। सो हम लोग एग्जैक्टली 9 बजे लेह लद्दाख पहुँच गए, और अभी हम लोग होटल पर जा रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ हम लोग अभी स्टे करेंगे तो कितना और टाइम लगेगा अभी पहुँचने में।